हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे वॉर के साथ जाने वाले हैं जिस वॉर के बाद भारत में हिंदू साम्राज्य या हिंदू राज का अंत करते हुए एक मुस्लिम राजा ने मुस्लिम राज की भारत में स्थापना की थी और यहीं से एक मुस्लिम राज स्टार्ट हुआ था। और देखेंगे कैसे एक हिंदू राजा और उसकी साहस की कहानी, जो कि थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने कैसे वीरता एवं साहस दिखाते हुए इस युद्ध में लड़ा था। आ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, और मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र राजपूत। चलिए शुरू करते हैं अपने इंट्रो के साथ। आज का थॉट ऑफ द डे है, जो कि खुद पृथ्वीराज चौहान का है, अनलेस यू डोंट गिव अप यू नो वन कैन बीट। मतलब जब तक आप खुद में नहीं हार जाते, खुद ये नहीं मान लेते कि आप हार गए हैं, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। इस वॉर को शुरू करने से पहले आपको एवरी कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को आपको समझना जरूरी है कि कौन क्या था। एक्चुअली ये उस टाइम का मैप है। इस मैप में देखिए, जो ये ऊपर वाला एरिया में ये घूर लोग थे और यहीं से मोहम्मद गौरी आता है और अटैक करता है। और दूसरा ये बगल में देखिए गजनी, तो जो गजनी महमूद गजनी था, ये पहले इंडिया पे अटैक किया था, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो ये गूर के सोल्जर्स को रेंट पे लिया करता था। उस टाइम ये बहुत छोटा एम्पायर नहीं था, बहुत छोटे सी जगह पे थे ये लोग। तो उसके बाद जब ये मर जाता है महमूद गजनी 1030 ईस्वी में, तो जो गूर थे अब वो एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। लेकिन यहां दोनों के आइडियोलॉजी में एक डिफरेंस है, उसको देख लेते हैं। जो महमूद गजनी था वो सिर्फ भारत को लूटना चाहता था, भारत की वेल्थ को लूटना चाहता था, बट जो मोहम्मद गौरी था वो शासन करना चाहता था, वो दिल्ली को कैप्चर करना चाहता था, भारत में दिल्ली में शासन करना चाहता था। अब वो जब ये चाहेगा, तो जब अटैक करेगा इधर साइड से, तो अजमेर पड़ेगा और अजमेर में ही हमारे ग्रेट किंग थे पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान के साथ फिर इनकी लड़ाई होगी। और यही जो लड़ाई है, इसको जाना जाता है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 एडी, ये बीसी नहीं है, ये एक्चुअली एडी है, दोनों में 1191 एडी और 1192 एडी, जस्ट एक साल बाद दूसरा युद्ध हुआ था। तो अजमेर के बगल में एक एरिया कन्नौज, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वॉर पे, क्योंकि कन्नौज के जो राजा थे उस टाइम के, वो जयचंद्र थे और जयचंद्र की पुत्री थी संयोगिता, और पृथ्वीराज चौहान इनसे प्रेम करते थे, लेकिन जयचंद्र नहीं चाहता था, मतलब वो राजी नहीं हुआ था शादी के लिए। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को भगा के ले गए थे और शादी किए थे, ये बात हमको पता चलता है पृथ्वीराज राशो पुस्तक है। और इसी के बाद फिर मोहम्मद गौरी इंडिया में अटैक करता है, अजमेर में करता है, और तराइन का युद्ध शुरू हो जाता है। और प्रथम तराइन का युद्ध, या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कह सकते हैं, हुआ था 1191 एडी में। इसको समझने के लिए हमको थोड़ी सी दोनों साइड की जो सेना है उसको समझना जरूरी है। अजमेर से कौन था? अजमेर से थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसके साथ साथ गोविंद राय थे, जो कि उस टाइम गवर्नर थे दिल्ली के, और इसके साथ गोविंद राय तोमर उनका पूरा नाम था, दिल्ली के गवर्नर थे। और इसके बाद चामुंड राय, जो कि पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई भी कह सकते हैं, और जो उस साइड से था गौरी के साइड से, तो गौरी और उसकी सेना ऐसे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट पे अपन समझते हैं, गौरी इस साइड, ये पीछे खड़ा है और उसकी सेना सामने है, और सेम ऐसे पृथ्वीराज चौहान पीछे हैं और उनकी सेना है। तो गौरी ने क्या किया था, डायरेक्ट जब फर्स्ट बैटल चल रहा था, तो डायरेक्ट सामने से अटैक कर दिया था, और उसने जैसे डायरेक्ट अटैक किया, तो पृथ्वीराज चौहान जी की जो ये सेना थी, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी कैप्चर कर ली और राइट साइड से भी, इस साइड से भी, जो फ्लैंक्स बोलते हैं दोनों किनारे को, इधर दोनों को कैप्चर कर ली, और यहाँ बीच में तो सेना थी ही, तो ये पूरा तरह से एक मोहम्मद गौरी को घेर लिया गया था, अब उन पे अटैक करना चाह रहे थे। और तभी क्या हुआ कि जब गौरी को पता चला कि उसके सैनिक मर रहे हैं, तो गौरी ने क्या किया, वो आगे आ गया लड़ने के लिए, कहा जाता है कि वो भी आगे आ गया लड़ने के लिए। और इसी का फायदा उठाते हुए जो चामुंड राय थे, चामुंड राय ने क्या कहते हैं, गौरी के ऊपर अटैक कर दिया उसी युद्ध में, और यहीं पे गौरी को घायल कर दिए थे और उनको यहीं पे खत्म करने वाले थे, मारने वाले थे, लेकिन एक जो तुर्की सोल्जर था, कहा जाता है, वो गौरी को यहां से बचा के वापस ले जाता है, रिटर्न ले जाता है। और यदि उस दिन यदि ये तुर्की सोल्जर नहीं बचाया होता, तो गौरी वहीं पे मर गया होता, दूसरा तराइन का युद्ध हुआ ही नहीं होता। और लेकिन यहीं पे एक चीज कही जाती है कि यदि उस दिन पृथ्वीराज जी क्या कहते हैं, इनको भागने नहीं दिए रहते और यहीं पे इनको मार दिए रहते, तो शायद इंडिया का हिस्ट्री अभी कुछ और होता।
लेकिन एक रीजन ये भी दिया जाता है कि पृथ्वीराज जो चौहान थे वो भागे दिए नहीं थे एक्चुअली, बट हुआ ये था कि जो गुर के कैवलरी थे, जो घुड़सवार थे और जो घोड़े थे, वो अच्छे हाइब्रिड वाले थे, जो उनकी ब्रीड थी वो अच्छी थी, तो वो ज्यादा तेज दौड़ते थे। तो एक कॉन्टेक्स्ट ये भी मिलता है कि वो बहुत तेजी से निकल गए इसलिए पकड़ नहीं पाए, और दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये मिलता है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया और अगले युद्ध की का वेट करने लगे। उसके बाद ये होता है फर्स्ट बैटल। फर्स्ट बैटल में जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की, और इन्होंने अब बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंड कर लिया था। और आपने सुना होगा कि बहुत सारे अटैक किए थे महमूद गौरी ने, तो वो छोटे छोटे अटैक थे, लगभग 10-11 अटैक किए, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध आए और वो भारत में अटैक किए थे। पृथ्वीराज चौहान के साथ जो दो बैटल थी, एक तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, तो पहला युद्ध में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। अब चलिए देखते हैं तराइन का द्वितीय, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद इंडिया की हिस्ट्री और उस टाइम देखा जाए तो इंडिया का फ्यूचर चेंज होने वाला था, क्योंकि इस बैटल पे मोहम्मद गौरी बहुत तैयारी से आया था और कहते हैं कि ये करीब 110,000 सैनिकों के सोल्जर्स के साथ आया था। वहीं पृथ्वीराज चौहान के पास 300,000 सोल्जर्स थे स्टैंडिंग आर्मी, तो उनके पास अभी भी ज्यादा थे, लेकिन इस बार एडवांटेज इनके इसके कारण एडवांटेज मिला था मोहम्मद गौरी को, क्योंकि ये जो कैवलरी मैन थे इस बार हाथ में तीर लेके आए थे और ये इतना तेजी से आधे तीर चला के चले जाते कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता, और इनकी जो घोड़े की ब्रीड थी वो तो वैसे ही हाई थी, तो वो अटैक कर करके चले जा रहे थे और दोनों फ्लैंक्स के दोनों जो किनारे होते हैं दोनों किनारों पे आक्रमण कर रहे थे, जिसके कारण जो पृथ्वीराज जी की सेना थी वो बट गई थी अलग अलग किनारे पे। यदि वो एक साथ रहते तो शायद ना आते, लेकिन वो अलग हो गए बट गए, तो यही एक उनकी गलती बताई जाती है, क्योंकि कहते हैं ना यूनिटी में पावर होती है, उनको एक जगह रहना था, उसके बाद एट एंड में लास्ट में अटैक करना था, बट वो बढ़ते चले गए, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या सोचा कि अब मैं ही आगे जाके लड़ता हूं, जो पहले वॉर में गलती की थी मोहम्मद गौरी ने वो सेकंड वॉर में गलती कर दी पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान जैसे ही आगे जाते हैं वॉर में लड़ने के लिए और उनको वहीं पे मोहम्मद गौरी पकड़ लेता है और अपने साथ अफगानिस्तान ले जाता है, और यहीं पे कहा जाता है कि इंडिया में हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी की जीत हो जाती है। और ये भी कह सकते हैं कि इंडिया में इस्लामिक स्टेट का जो शासनकाल है इन्हीं के बाद से शुरू होता है, क्योंकि इनके बाद अब जो इनके एक स्लेव आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जब ये यहाँ से चले जाते हैं, मोहम्मद गौरी चला जाता है भारत से, तो जो स्लेव था अजमेर का जो गवर्नर रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दास वंश या स्लेव डायनेस्टी की इंडिया में 1206 में स्थापना करता है, उसको हम अलग वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की सेकंड बैटल में हार हो जाती है। उस टाइम देखते हैं पहले जो ये वाला एरिया था इसके उस साइड था गौर मोहम्मद गौरी, लेकिन अब अटैक करने के बाद जीतने के बाद अब ये पूरा इधर तक का एरिया हो गया। इवन उसने जो कन्नौज वाले एरिया है जयचंद वाला, जयचंद को भी हरा के उसके एरिया को कैप्चर कर लिया था और अपने में मिला लिया था। उसके बाद 1206 में वो यहां से चला जाता है और 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दाशवंश की दिल्ली में स्थापना करता है और यहीं से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि एक्चुअली उस वॉर में पृथ्वीराज चौहान तो हार गए बट उसके बाद गए कहां, तो सब अलग अलग कंस्ट्रक्ट बताते हैं कि कुछ और सबका अलग अलग, लेकिन हम एक जो उनके राजकवि थे राजपोएट थे चंद्र बरदाई उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसी के साथ जाएं। यदि इसकी बात मानी जाए तो इसमें लिखा है कि जब वो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले जा रहे थे तो इनके पीछे पीछे चंद्र बरदाई भी गए थे और उन्होंने वहां देखा कि पृथ्वीराज चौहान की जो दोनों आंखें हैं उनको डैमेज कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था। जो यदि देखा गया हो तो आपने कई सीरियल्स में देखा होगा कि जो गर्म लोहे होते हैं उनको इनके आंख में डाल के उनकी आंखों को डैमेज कर दिया गया था। फिर भी इसके बावजूद जब एक बार इनको दरबार में बुलाया जा रहा है तो इस बुक के अनुसार पृथ्वीराज रासो बुक के अनुसार ये कहा गया है कि एक तरफ चंद्र बरदाई पोयम गा रहे थे, मतलब बोल रहे थे पंक्ति, और जो मोहम्मद गौरी था वो बोलता है कि यदि तुमको लक्ष्य भेदी बाण चलाते आता हो तो चला के दिखाओ मेरे को। तो होता ये है कि चंद्र बरदाई इशारा करते हैं अपने लाइंस के पोयम के थ्रू कि मोहम्मद गौरी टॉप में बैठा है, और जैसे ही मोहम्मद गौरी आवाज करता है और पृथ्वीराज चौहान को तो लक्ष्य भेदी बाण चलाना आता ही था, तो कहा जाता है कि वो उन्होंने जैसे ही ये आवाज किया पृथ्वीराज चौहान ने बाण चलाया और मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। ये हमको कहानी किससे पता चलती है? पृथ्वीराज रासो से, और बाकी जो अलग अलग बुक्स हैं उसमें अलग अलग अपने ओपिनियन दिए हैं। तो पृथ्वीराज रासो से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे इनकी मोहम्मद गौरी की भी हत्या हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या हो जाती है। यहीं से 1206 ईस्वी के बाद भारत में दासवंश शुरू हो जाता है और दिल्ली सल्तनत
शुरू हो जाती है, या और कह सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है 1206 में, किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बाद मुगल्स आते हैं और ये एज इट इज चलता रहता है। और इसमें भी जो इंपॉर्टेंट वॉर्स होंगे, जैसे पानीपत का युद्ध और हल्दीघाटी का युद्ध, हम जितने भी इंपॉर्टेंट वॉर आने वाले हैं सबको कवर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर टू अदर्स। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।